आज हम लोग केमिस्ट्री में जो कि रासायनिक बंधन का जो अध्याय है उसमें हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि जैसा कि बताए थे पहले कि बंधन बनाने के दो आधुनिक सिद्धांत हैं जिसको हम लोग कहते हैं, एक है संयुक्ताबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको कहते हैं हम लोग, एक जिसकी पढ़ाई हम लोग कर चुके, जिसमें संकरण भी था। जो पिछले लेक्चर हम लोग देखे थे, संकरण निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, संकरण किसी अणु का निकालना है तो सबसे पहले उसका लुईस बिंदु संरचना खींचेंगे। जैसे मान लेते हैं कि जल का हमको निकालना, जैसे एक उदाहरण के रूप में किसी का अगर लुईस बिंदु संरचना पहले ड्रॉ करेंगे, संकरण प्राप्त पता करेंगे, पहले इस लुईस बिंदु संरचना खींचेंगे उसका। जैसे जल है तो जल में क्या होगा, तुमको इसका जो है हाइड्रोजन के साथ एकल बंधन बनेगा यहाँ पर, और एकल बंधन बना तो ऑक्सीजन के पास जो केंद्रीय परमाणु है यहाँ पर ऑक्सीजन, इसमें इसके 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितना बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास 2 लोन पेयर। तो इसमें जो बंधन की संख्या टोटल जो होगी 2 लोन पेयर के लिए, तो बंधनों की संख्या कितने हुए, संकरित ऑर्बिटलों की संख्या, बंधनों की संख्या बराबर, बंधनों की संख्या जो कि सिग्मा बाय बंधन की संख्या भी कह सकते हो, मतलब बंधनों की संख्या जिसका या बंधित, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गया आप प्लस 2 लोन पेयर ये हम बंधित ऑर्बिटलों की संख्या कह सकते हैं उसको, बंधित ऑर्बिटलों की संख्या, ऑर्बिटलों की संख्या जितना चाहिए हमको, संकरित ऑर्बिटलों की संख्या इसको कहिए, संकरित ऑर्बिटलों की संख्या बराबर 4 चाहिए हम लोग, 2 बॉन्ड पेयर के लिए 2 लोन पेयर 4 चाहिए। तो 4 किस संकरण में मिल सकता है, एक एस का ऑर्बिटल हो जाए और 3 गो पी का, दैट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा इसका, और इसका जो बंधन कोण होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। 4 अगर 2 बनना है तो sp में होता है, 3 है तो आकृति जब ड्रॉ करते हैं तो 1s 2p, जितने जो है संकरण में जितने ऑर्बिटल शुद्ध ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही संकरित ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो अगर 1s और 1p का भाग लेगा तो sp 2sp बनेंगे, 2 ऑर्बिटल चाहिए तो आप sp लीजिए, 1s 2p होगा तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे तो sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, क्योंकि 3p का 3 से ज़्यादा नहीं होता। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है, जिसका कि तुम पिछले वीडियो लेक्चर में देखा होगा, नहीं जो स्टूडेंट देखा है उसको जो है राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। तो और जहाँ भी दिक्कत हो तो हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं उसके लिए, उसमें जेई मेन्स, जेई एडवांस, नीट, इन सबों के क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे उपलब्ध हैं। और तुम जो जो भी तैयारी करना चाहते हो या जिनको भी पर्सनल भी दिक्कत हो रही है कहीं से समझने में, किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री में, किसी भी चीज़ में, तीनों सब्जेक्ट में से कहीं भी, तो वो हमसे राइट वेल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे, तो इसका जैसे कि तुमने देखा जो पिछला में रिवीजन भी कर सकता है, तो पहले उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की संख्या निकालनी पड़ती है जो कि लुईस बिंदु संरचना से प्राप्त हो जाएगा, और उसके आधार पर ऑर्बिटलों की संख्या पता चल जाती है, तो और उसकी ज्यामिति पता चल जाएगी उसके आधार पर। जैसा संकरण 5 ऑर्बिटल है तो किस प्रकार फैलते हैं, जो बृहस्पति सिद्धांत में भी बताया गया था उसमें भी फिर से देखा गया। तो अब हम लोग जाहिर है ध्यान ये रहे, संकरण में कभी भी डबल बॉन्ड के ऑर्बिटल को नहीं जोड़ा जाता, पाई ऑर्बिटल को नहीं जोड़ते, सिर्फ सिग्मा ऑर्बिटल को की संख्या गिनी जाती है। सिग्मा बंधन जितना होंगे उसी के लिए संकरित ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है। तो ये मूल बातें थी संकरण की। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक दो सिद्धांत था तुमको, जो कि अणु के निर्माण का, अणु के बीच में जो परमाणुओं के बीच में जो रासायनिक बंधन बनते हैं जिससे अणु का निर्माण होता है, तो उसमें है दूसरा सिद्धांत है तुमको जिसको हम लोग कहते हैं, पहला संयुक्ताबंध सिद्धांत था जिसमें कि संकरण भी आता है, और दूसरा है तुमको आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत, आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत, मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है ये कहते हैं आणविक ऑर्बिटल थ्योरी कि जब दो परमाणु के ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वे आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जब परमाणु के ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वे आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इन आणविक ऑर्बिटलों का जो इन और आणविक ऑर्बिटलों की संख्या परमाणु ऑर्बिटलों की संख्या के समान होती है,
के योग के बराबर होती है। जितने परमाणु ऑर्बिटल मिल करके आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे उसकी संख्या दोनों बराबर होती है। और इसके मुख्य अभिलक्षण है जिसको पॉइंट वाइज भी हम लोग पढ़ सकते हैं, तो या ऐसे भी लिख सकते हैं उसके मुख्य अभिलक्षण को, तो इसको लिखते हैं हम लोग। तो इसका है तुमको, जब दो परमाणुक ऑर्बिटल परमाणुक ऑर्बिटल जिसको कक्षक भी कहते हैं, परमाणुक ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वे आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो वे आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो वे आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं इन आणविक ऑर्बिटल की संख्या निर्मित आणविक ऑर्बिटल की संख्या निर्मित आणविक ऑर्बिटल की आणविक ऑर्बिटल की संख्या भाग लेने वाले परमाणविक ऑर्बिटलों की संख्या के समान होती है। मतलब अगर जैसे कि 1s 1s का दो ऑर्बिटल भाग लिया तो उसके कारण दो ऑर्बिटल बनेंगे जो कि आणविक ऑर्बिटल बनेंगे, तो चूंकि दो ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो दो आणविक ऑर्बिटल का भी निर्माण होगा। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये है इसकी कुछ विशेषताएं जिसको पहले हम लोग पॉइंट वाइज भी कह सकते हैं या तो पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख ही देते हैं, आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के मुख्य लक्षण, आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के मुख्य लक्षण। पहला, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन परमाणुक ऑर्बिटल में रहते हैं उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन आणविक ऑर्बिटल में रहते हैं, अणु में इलेक्ट्रॉन आणविक ऑर्बिटल में रहते हैं। इस प्रकार जो है तुमको ये अणु में इलेक्ट्रॉन आणविक ऑर्बिटल में रहते हैं। तो जैसे कि हम लोग परमाणुक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, जो कि तो परमाणुक ऑर्बिटल में भी रहते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा देखते हैं आगे, तो दूसरा यह है तुमको कि परमाणुक ऑर्बिटल पर एक नाभिक का प्रभाव होता है जबकि आणविक ऑर्बिटल पर एक से अधिक नाभिक का
प्रभाव होता है, प्रभाव होता है। तो एक में जैसे कि जबकि ये तो अणु जब बन जाएगा तो बहुत से परमाणु से मिलकर अणु बनता है, तो उन सभी के नाभिकों का प्रभाव आणविक ऑर्बिटल पर होता है। तीसरा नंबर, आणविक परमाणुक ऑर्बिटल के परमाणुक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन, इलेक्ट्रॉन के तरंग फलनों के संपोषी व्यतिकरण से बंधित आणविक ऑर्बिटल बंधित आणविक ऑर्बिटल, जिसको बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कह सकते हैं, BMO का निर्माण होता है जिसकी ऊर्जा परमाणुक ऑर्बिटल से कम होती है, जिसकी ऊर्जा परमाणुक ऑर्बिटल से कम होती है। चलिए चौथा नंबर, परमाणुक ऑर्बिटल के परमाणुक ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के विनाशी व्यतिकरण से कुंज प्राप्त होता है, विनाशी व्यतिकरण से प्रतिबंधित आणविक ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ABMO का निर्माण होता है जिसकी ऊर्जा परमाणुक ऑर्बिटल की ऊर्जा से अधिक होती है। इसमें अधिक प्रतिकर्षण होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इसमें कम होता है। तो अगला पांचवा, बंधित बंधित आणविक ऑर्बिटल, बंधित आणविक ऑर्बिटल का अस्थायित्व प्रतिबंधित आणविक ऑर्बिटल से अधिक होती है, तो जाहिर है जिसकी ऊर्जा कम होती है उसका स्थायित्व अधिक होता है, ज़्यादा अस्थायी होता है। ये तुमको हो गया। ये जो तुमको है, इन इलेक्ट्रॉन जो कि तुमको जो बनते हैं, जो आणविक ऑर्बिटल बनते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आणविक ऑर्बिटल, ये तो हो ही गए। एक आणविक ऑर्बिटल तुमको जो है, आणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस ढंग से भरे जाते हैं, आणविक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये तुमको हुंड का जो नियम होता है, जो कि हम लोग पर इसको मिटा दे रहे हैं, वो तुम्हारा भर गया, इसको लिख लो, नोट कर सकते हैं इसको। आणविक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हुंड का जैसे नियम है, जिसमें कि या अफबाउ सिद्धांत, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का भरते थे, उसी के नियम को पालन करते, अर्थात ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरी जाती है।
चलो तो इसको लिख लेते हैं दो तरह के आण्विक ऑर्बिटल जो है अतिव्यापन के अनुसार दो तरह के, अगर अक्षीय जो कि अंतर नाभिकीय अक्ष के अनुदिश अगर अतिव्यापन होगा तो उसके कारण जो है तुमको सिग्मा मॉल आण्विक ऑर्बिटल बनेंगे, और अगर उसके लंबवत दिशा में हुआ तो पाई जो है तुमको आण्विक ऑर्बिटल का निर्माण होगा। लिख लो इसका छठा नंबर अंतर्नाभिकीय अक्ष की अनुदिश परमाणुक ऑर्बिटल के अतिव्यापन से परमाणुक ऑर्बिटल के अतिव्यापन से अतिव्यापन से सिग्मा आण्विक ऑर्बिटल तथा कौन चीज तथा साइड वाइज मतलब तथा लंबत अध्यारोपण से लंबत अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन से पाए आण्विक ऑर्बिटल का निर्माण होता है, पाए आण्विक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो जब सिग्मा बनेगा कब, जब सिग्मा बनेगा जबकि अक्षीय अंतर नाभिकीय अक्ष के अनुदिश होगा, और पाई बनता है जो कि उसके लंबवत दिशा में, तथा दो प्रकार के बनते हैं, और ऑर्बिटलों की संख्या भी क्या रहती है तो इसमें लिख देते हैं छठा सातवां आण्विक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरी जाती है। यह हुंड के नियम का भी पालन करती है। तो ये तुमको जैसे अफवाह का सिद्धांत हुआ ऊर्जा के बढ़ते पालन भी करती है, और ये तुमको जैसे अफवाह का नियम का भी पालन करेगा, अफवाह का नियम जिसमें कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरना है उसको भी ये पालन करेगा, और साथ साथ किसका करेगा, यह हुंड के नियम का भी पालन करती है। तो ये तुम्हारा होगा जो कि एक बंधन है। तो ये कुछ बातें हो गई जैसे ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, जैसे कि तुमको बढ़ेगा, हम लोग एंटीबॉन्डिंग जो प्रतिबंधित आण्विक ऑर्बिटल है उसको हम लोग लिखते हैं एंटीबॉन्डिंग कहते हैं, जो तुम्हारा हो गया। तो जैसे कि इसमें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, जैसे तुम्हारा मैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल लिख देता हूं, तो ये होता तुमको O2 तथा F2 के लिए, O2 तथा F2 के लिए ये है जो पहले लिखा जा रहा है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। किसका ऊर्जा होता है, सिग्मा 1s का ऊर्जा सबसे कम, उससे बड़ा होता है सिग्मा स्टार 1s, जो कि तुमको ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग में हम लोग स्टार लगाते हैं। इससे ज़्यादा होगा सिग्मा 2s, फिर इससे ज़्यादा क्या होगा सिग्मा स्टार 2s, फिर तुमको होता है सिग्मा 2pz, ये तुम्हारा अंतर्नाभिकीय अक्ष हो गया। इससे बड़ा होता है तुमको π2px = π2py, दोनों का इक्वल होता है। इससे ज़्यादा हो जाता है तुमको π2px = π2py = σ2pz, ये तुमको ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन में इस ढंग से इलेक्ट्रॉन को भरेंगे हम लोग। अच्छा देख लेते हैं, उदाहरण में देता हूँ, ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हो गया, और दूसरा है तुमको BE2
मतलब कि H2 से लेकर के Be2 से बने कह सकते हो, और इसके लिए बढ़ते क्रम में होगा तुम्हारा B2C2N2। इसके लिए क्या हो जाएगा तुमको, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये σ1s हो गया, σ1s स्टार हो गया, σ2s हो गया, σ2s स्टार हो गया, और यहाँ पर क्या जाता है तुमको, ये तुमको थोड़ा सा परिवर्तन है, π2px और π2py का इसमें कम हो जाता है, π2py का कम हो गया, यहाँ σ2pz हो गया, यहाँ पर तुमको π*2px इक्वल टू π*2py लेस देन σ*2pz ये हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया इससे कम वाला के लिए। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का, जैसे अब जैसे इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो एक बंधन क्रम हम लोग कहते हैं, एक बंधन क्रम होता है, बंधन क्रम होता है कौन जी, अनबंधित आणविक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से इलेक्ट्रॉनों के घटाव के आधा को बंधन क्रम या बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, बंधन क्रम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो बंधन क्रम जो हो गया तुमको क्या हो गया, बंधन क्रम बराबर NB-NA/2। ये NB हो गया बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म में बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये हो गया एम्प्टी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रतिबंधित बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भाग देंगे किससे, एंटी बॉन्डिंग वाला से। तो NB हो गया बंधित इलेक्ट्रॉन, B फॉर बॉन्डिंग, A फॉर एंटी बॉन्डिंग, इसके बंधन क्रम कहते हैं। बंधन क्रम सिंगल बॉन्ड के लिए बंधन क्रम एक हो गया, एकल बंधन के लिए बंधन क्रम एक होता है। बंधन क्रम अधिक होने पर बंधन लंबाई कम एवं आबंध एंथैल्पी अधिक होती है, एवं आबंध बंधन लंबाई अधिक होने पर बंधन लंबाई कम एवं आबंध एंथैल्पी अधिक होती है। तो बंधन लंबाई के एकदम जस्ट आबंध लंबाई, जो बंधन अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बंधन लंबाई क्या होगा, कम होगा, और बंधन लंबाई कम होगा और इसका बंधन क्रम भी निकाल सकते हो। और चुंबकीय गुण जहाँ तक है, तो चुंबकीय गुण में क्या होता है, चुंबकीय गुण में होता है कि जब सभी इलेक्ट्रॉन इसे निकाल के अभी दिखाएंगे सबका बंधन क्रम वगैरह भी कुछ का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह लिखेंगे उससे बंधन क्रम भी निकल जाएगा। तो बंधन क्रम में तुमको अब क्या होगा, बंधन क्रम जैसे कि हम लोग निकाले, और अब है तुमको अब बंधन क्रम के बाद लिख सकते हैं चुंबकीय गुण। आणविक ऑर्बिटल में
जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो वे अणु प्रतिचुंबकीय तथा वह युग्मित इलेक्ट्रॉन रहने पर वह युग्मित इलेक्ट्रॉन रहने पर अनुचुंबकीय होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं। जैसे कि अब हम लोग देख सकते हैं किसमें कौन सा है और उसका कुछ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन दो डायटोमिक का हम लोग लिखेंगे, जैसे कि हम लोग लिखते हैं पहले O2 का, वो अणु परमाणु है लेकिन O2 क्या है अणु है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखेंगे तो आणविक ऑर्बिटल के आधार पर लिखेंगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसे O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी तक लिखता था, ये तुमको हो गया O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। O2 में मतलब के दो परमाणु होंगे तो ऑक्सीजन के एक परमाणु और दूसरे एक ऑक्सीजन के एक परमाणु, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे पहले ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो परमाणु ऑर्बिटल है दूसरे अणु ऑक्सीजन अणु के परमाणु ऑर्बिटल दोनों मिलकर अणु ऑर्बिटल बनाएंगे। और O2 के जो के हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O में 8 और O2 में 8 16 इलेक्ट्रॉन, तो जो 16 इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में रहेंगे, ये परमाणु ऑर्बिटल जो बनते हैं उसमें रहेंगे। तो सबसे कम जो ऊर्जा होती है पहले उसमें भरेंगे, तो सबसे कम ऊर्जा अभी जो लिखे थे थोड़ा देर पहले जो बोर्ड पर से मिटा है जो उतारा होगा तुम लोग, तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद किस में होगा σ1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन स्टार में होगा, इससे ज़्यादा जैसे कि बढ़ते क्रम में लिखते जाइए ऊर्जा के बढ़ते क्रम, जब तक 16 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। यहाँ 2s2 हो गया σ*2s2, तो कितना हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हुआ अभी तक, चलिए 8। अब किसका नंबर है मतलब ये तुम्हारा ऐसे तुमको तो ये इसमें सबको घेर दिया गया है सब इलेक्ट्रॉन को, चाहोगे तो सबको अलग अलग घेरते भी जाओगे, और खैर ये तुम्हारा हो गया। दूसरा है तुमको सिग्मा, इसके बाद है तुमको σ2pZ में 2 हो जाएगा, σ2pZ में 2 हो गया, पेयर में भरते जाता है हुंस रूल के मुताबिक। और तुम्हारा ये π2px और में भी क्या हो गया 2 हो जाएगा, π2py में भी 2 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो कितना हुआ अभी तक तुमको हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 4, 14 हो गया, तो 14 हो गया। तो अब बच गया तुमको स्टार वाला, तो देखो π2px स्टार में 1 दे दोगे यहाँ पर हो जाएगा, और π2py स्टार में भी क्या हो जाएगा तुमको 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुमको 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जैसे कि इसका बंधन क्रम निकालना है, तो बंधन क्रम या बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बंधन क्रम निकालते हैं देखते हैं। बराबर 1/2 × NB बॉन्डिंग में माइनस एम्प्टी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब बिना स्टार वाला गिन लेंगे, तो बिना स्टार वाला पहले गिन लेते हैं। देखो जैसे कि 1s वाला क्या हो गया, ये जो तुम्हारा हो गया बिना स्टार वाला है, ये जिसमें जो बिना स्टार वाला है उसको पहले गिनेंगे, σ1s2 गिनाएगा, स्टार वाला ये एम्प्टी बॉन्डिंग में गिनाएगा, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो एम्प्टी बॉन्डिंग में गिनाएगा, जो बिना स्टार वाला है तो बॉन्डिंग में गिनाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है तुमको, तो देखो 2, तो इसको गिनोगे तुम तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके 10 इलेक्ट्रॉन। σ1s में हो गया, फिर σ2s में 2, 2, 2, 4 हो गया, फिर σ2p में कितना हो गया तुमको 2pz में 2, फिर π2px में 2, π2py में 2, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 होगा, और एंटी बॉन्डिंग में जितना स्टार वाला में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बॉन्डर 2, तो बॉन्डर डबल बॉन्ड इसे बनेगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड, 2 आने का मतलब द्विआबंध, डबल बॉन्ड इसमें है। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है, ध्यान रहे किसी अणु का अगर स्थायित्व पता करना है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे अब कहेगा O2 प्लस का कहिए, तो जब O2 प्लस का कहेगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 15, तो जाहिर है कि O2 प्लस में यहाँ पर जो है एक ही में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो O2 प्लस का अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो उसमें बंधित में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बंधित में 10 ही रहेंगे, लेकिन अबंधित में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी
पहले छः था तो अब पाँच हो जाएगा, तो उसकी स्थायित्व बढ़ जाएगी। तो ओ टू से ज़्यादा स्थायित्व किसका होगा? ओ टू प्लस का होगा। ओ टू से ज़्यादा स्थायित्व ओ टू प्लस का हो जाएगा, लेकिन ओ टू माइनस करेंगे तो फिर प्रतिआवंधित्व में बढ़ता है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब हो गया कि उसमें सात इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो दस माइनस सात तो उसका स्थायित्व क्या होगा? बॉन्ड और घटेगा। तो इस प्रकार से क्या जाएगा? उसका स्थायित्व कम हो जाएगा। तो अब है तुमको यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया इसका ओ टू का हो गया। अब है इसका इसका जैसे निकाल सकते हैं हम लोग कैच का इसका, इसमें देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां पर, जो स्टार में जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो ओ टू में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अतः ओ टू अनुचुंबकीय है, अतः ओ टू अनु चुंबकीय अणु है, अनुचुंबकीय है, ओ टू अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि इसमें दो अगर सारे पेयर्ड होंगे तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा सारे पेयर्ड हो जाएंगे तो उसका हो जाता है तुमको, अगर सारे पेयर्ड हैं तब तुम्हारा प्रतिचुंबकीय होता, और कुछ मतलब कि अनपेयर्ड रह गए एक भी वहाँ पर, जैसे दो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले में है उसमें एक एक करके है, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुंबकीय श्रेणी में आया। जैसे ही बता रहे थे O2 प्लस का कहते, O2 प्लस का कहेंगे तो क्या अंतर होगा इसका, फिर से मैं यहीं पे बता देता हूँ। O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा, एक ही में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 10 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 10 माइनस यहाँ पे 5 होगा तो ढाई हो जाएगा 2.5, तो उसका स्थायित्व O2 प्लस का स्थायित्व, O2 प्लस का बंधन क्रम O2 प्लस अगर होगा, O2 प्लस का बंधन क्रम, बंधन उसमें 15 इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हो जाएगा हाफ इंटू 10 माइनस 5 बराबर 2.5, तो इसका मतलब O2 प्लस O2 से अधिक स्थायी है, से अधिक स्थायी है, और ये भी अनुचुंबकीय होगा क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस प्रकार से तुम किसी का भी कौन बंधन क्रम ज्यादा है होगा तो उसका स्थायित्व को चेक कर सकते हो। जैसे कि अब एक आध और एग्जांपल दे देते हैं, एक तुमको जैसे कि देते हैं N2 का दे देते हैं। N2 में क्या होगा, ये जो तुम्हारा है ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का जो है पलट जाता है, वहां पर जो देखा होगा अभी जो लिखे थे उसमें जो है ऊर्जा का क्रम में जो है सिग्मा 2pz जो है वो बाद में चला जाएगा और पाई वाला दोनों जो है पहले आ जाता है, जैसे C2 का लिखें, O2 का लिखें या B2 का, तो जिसका स्थायित्व, जिसका बंधन क्रम क्या हो गया, वे यौगिक जिसका बंधन क्रम शून्य या ऋणात्मक होता है वो अस्थायी होते हैं। लिख लेते हैं, वे यौगिक वे अणु जिनका बंधन क्रम शून्य या ऋणात्मक होता है और अस्थायी होते हैं, अस्थायी अणु होते हैं, उनका अस्तित्व नहीं रह पाता है। जैसे कि एच ई टू ले लें हम लोग, एच ई टू तो हीलियम का क्या था, 1s2 और 1s2 दोनों तरफ से हो गया, 1s में दो इलेक्ट्रॉन होता तो क्या हो जाएगा 1s2, तो इसमें कितने हुए, चार इलेक्ट्रॉन हुए, तो चार इलेक्ट्रॉन तुम भरोगे किस में, सिग्मा 1s में दो और सिग्मा 1s2 स्टार में दो, तो इसमें कितने हो गए देखो इसका बंधन क्रम लेते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2, इसमें क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन बंधित में, दो इलेक्ट्रॉन प्रतिबंधित में, जीरो, तो इसका मतलब अस्थायी अणु क्या हो गया, अस्थायी। और जहां तक कि चुंबकीय गुण में रहेगा ये तुमको प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय चूंकि सारे पेयर्ड ही होंगे, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक कहते हैं इसको, डायमैग्नेटिक। तो किसी भी परमाणु का निकाल सकते हैं हम लोग, तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा, ये निकाल दिए, जैसे N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या C2 का लिख लो, C2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो C2 मतलब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, तो 1s2 2s2 कार्बन का हो गया, जैसे लिख देते हैं कार्बन का ही पहले लिख लो 6, 1s2 2s2 2p में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ 2p में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1s में देखो O2 का ही कार्बन का हो गया तो दो इलेक्ट्रॉन, अब इसके 1s एंड 1s से क्या बनेगा, सिग्मा 1s2 दो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, सिग्मा 1s2 स्टार में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिग्मा 2s2 में जाएंगे, सिग्मा 2s2 स्टार में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब किसका नंबर आ जाएगा, अब इसमें देखो पाई वाला पहले आ जाता है, पाई
2px में दो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू पाई 2py में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये तुम्हारा हो गया। अब सिग्मा 2pz के लिए हमारे पास इसका ऊर्जा ज्यादा होता है, उसमें उसके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो इसका बंधन क्रम क्या हो गया, इसका बंधन क्रम हो गया तो टोटल कितना था, 12 इलेक्ट्रॉन था, तो 8 तुमको आ रहा है बंधित में, 4 जा रहा है प्रतिबंधित में, बराबर 2, और सारे पेयर्ड हैं तो प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक। तो इसमें क्या अंतर होता है, तुमको O2 और F2 ओजोन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इसका जो सिग्मा 2pz पहले आ जाता है और पाई 2p वाला बाद में चला जाता है, यही अंतर होता है। तो आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा तुमको, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हो आणविक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, और उसमें जो है तुमको उसकी बंधन क्रम निकाल के उसका स्थायित्व को क्रम में अरेंज भी कर सकते हो, जो कि NCERT बुक के लास्ट में देखोगे, उसमें O2 O2+ O2- उन सबों का बंधन क्रम को सजाने के लिए दिया हुआ है, जिससे किसका स्थायित्व ज्यादा होगा, बंधन क्रम ज्यादा होता है ज्यादा आवर्धन तेल फिर ज्यादा होता है, बंधन लंबाई कम हो जाता है, बंधन क्रम ज्यादा तो बंधन लंबाई कम। तो अगर उस ढंग से अरेंज करने दे तो उसका पहले बॉन्ड ऑर्डर पता कर लो, और पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बॉन्ड ऑर्डर पता करो, तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और देखो ऐसे कुछ जैसे कि O2 है यहां पर, इसको जैसे कि σ1s2 नहीं लिख करके, तो इसमें के सेल का मैंने पहले लिख देता, उसमें पूरा भरा होता के लिख देता है, के लिए तो पहला जो के सेल है वो पूरा भरा हुआ है, KLMN सेल को लिखते हैं हम लोग, तो के जैसे σ1s2 σ1s2* को हटा करके के भी लिख दिया जाता है, तो वैसा भी देख सकते हो किताब में भी तुमको लिखा हुआ मिलेगा। तो अब तुमको एक अंतिम टॉपिक आणविक ऑर्बिटल के बाद एक टॉपिक जो बचा हुआ है जिसका नाम है हाइड्रोजन बंधन, तो इसी के साथ ही तुम्हारा चैप्टर जो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, और तुम अपना जो है क्वेश्चंस वगैरह को NCERT बुक में जो एक्सरसाइज है उससे बना लो, और NCERT के अलावा एग्जाम्पल प्रॉब्लम से भी बना सकते हो, और जो भी दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो, राष्ट्रीय ऐप में हमारा जो है कॉन्टैक्ट का सारा दिया हुआ है, नंबर सब सारा है, तो वो जब चाहो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और उसमें जो भी दिक्कत हो रही पढ़ाई में तो हमसे बातचीत कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।